इस क्वेश्चन में हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट को ब्रेक करके सोचेंगे, इसको सोचेंगे 45+.6, इसको सोचेंगे 20+.2, ठीक है। इसमें तो हमें स्क्वायर पता ही है, 111 का स्क्वायर क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो 45 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लिख करके सोचें तो दिस इज लाइक दिस एंड दिस वन इज 20+0.2, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 900, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 45.2 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, फिर इसको जब इससे करते हैं तो 12, ठीक है, और इसको जब इससे करते हैं तो दिस विल कम 0.12, ठीक है। और इसको हम लोग मेंटली यहां का यहां डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग दिस स्टेप, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए आपको लिखा है। अच्छा, ये पार्ट हो गया हमारे पास, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं मेंटली 921.12, एंड दिस विल कम, अगर इसको 111 का अगर हम लोग सीधा स्क्वायर सोचते हैं तो 1, 2, 3, 2, 1, लर्निंग वीडियो हमने सीखा हुआ है, और इसमें जब डेसिमल प्लेसमेंट की बात आती है तो दिस विल कम, ठीक है। तो 1, 2, 3.21 एंड द थर्ड पार्ट प्लस, इसको जब सोचते हैं तो हम कैसे सोचते हैं, 11 का किसी नंबर से 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सोचते हैं, जैसे 19 × 11 हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोचते हैं इसको हम अलग कर लेते हैं, और दोनों का सम बीच में आता है हमारा, दोनों का सम हमारा क्या आता है 10, 10 आने का मतलब 0 और 1 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके जोड़ देते हैं तो 209 आता है। दूसरा तरीका आप सोचते हैं कि हम सीधा के सीधा फर्स्ट प्लेस पे 9 रखें, इसी को हम सॉर्ट कर देते हैं, 9 लिखने के बाद 9+1 लिखते हैं 0, और फिर 1 बच गया हमारे पास तो 1 एंड 1 2, ठीक है। तीसरा तरीका आप सोच सकते हैं कि आपने 11 और 19 को मल्टीप्लाई करना है, पहले 10 से कर लिया, 190 आ गया, प्लस इसमें 19 को जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि 10+1 ब्रेक करके किया। तो आप कर सकते हैं इसको 20 सो सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 11 माइनस कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन 11 का टेबल याद है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ रहा है इसका 2+10 में 2.09, ठीक है। नाउ सॉल्व दिस, दिस प्लस दिस एंड माइनस दिस, ठीक है। तो इसको इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 21 लास्ट में आता है, उसके बाद ये हमारे पास आता है 923-123.21, क्लियरली हमारा इसमें माइनस होता है तो 800 वैल्यू बचता है। अब 800 हमारे पास यहाँ पे है, अगर हम लोग 800 सिलेक्ट करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 800 यहाँ भी है, 800 यहाँ भी है, 800 यहाँ भी है, तो इसका मतलब कि च्वाइस हमारा है। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है, जब भी सवाल सॉल्व करें तो पहले एक बार चॉइस पर नजर डाल लें क्या हो सकता है। जब भी ऑल ऑफ द एबव चॉइस हो तो आप चेक करें किसी भी दो चॉइस को, दो चॉइस अगर मैच कर रहा है इसका मतलब कि ऑल ऑफ द एबव इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां इस वैल्यू, ये हमारा डायरेक्ट 800 है, ये इस वैल्यू से डायरेक्ट 800 हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारा होगा।